सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का क्रेज कितना था ये बताना है तो उसके लिए फैंस का प्यार और उनके अतरंगी कारनामे सुनना काफी है। दरअसल सलमान खान की दबंग 3 जब रिलीज हुई तब जम्मू कश्मीर में रहने वाले उनके क्रेजी फैंस ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए 100 टिकट्स बुक की थी। इतना ही नहीं बल्कि बुक करने वाले शख्स का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो खुद टिकट काउंटर पर टिकट गिन रहा था। दूसरी ओर सलमान के फैन इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने पूरा थिएटर बुक कर लिया था। यहाँ तक कि फैंस ने छुबू पांडे की तरह गेटअप भी किया था, कोई आंखों पर काला गॉगल लगाकर तो कोई कॉलर पर गॉगल लगाकर फुल दबंग स्टाइल में थिएटर के अंदर जा रहा था। अगर भाईजान थिएटर में चुपके से आ जाते ना तो ये नजारा देखकर तो बस उनका दिल ही खुश हो जाता। वैसे दबंग 4 के लिए इससे भी बढ़िया आइडियाज आजमाए जाएंगे, बस चुलबुल पांडे के आने का इंतजार है। वैसे ईद का फेस्टिवल सलमान खान का फेवरेट फेस्टिवल है, ये तो हर बच्चा जानता है। सलमान खान की फिल्म और ईद ये रिवाज तो बरसों से चला आ रहा है, पर गौर करने वाली बात ये है कि दबंग फिल्म 2010 में ईद के वक्त रिलीज हुई थी, पर दबंग 2 दिसंबर 2012 को रिलीज हुई थी और दबंग 3 2019 दिसंबर में रिलीज हुई थी। अब दिसंबर का महीना यानी कि क्रिसमस का त्यौहार। वैसे दबंग 2 और दबंग 3 की रिलीज डेट सुनकर उस वक्त फैंस को भी अजीब लगा था, क्योंकि भाईजान ईद को फिल्म रिलीज करते हैं और ईद उनके लिए काफी लकी है, वो अच्छी कमाई करके देती है। इसके बावजूद भी दबंग 2 और दबंग 3 अच्छी कमाई कर गई, तो क्या दबंग 4 भी क्रिसमस के वक्त रिलीज हो सकती है? ये अभी कहना सही नहीं है, लेकिन फिल्म की तैयारियां शुरू होने वाली है। पर जहां तक सलमान खान की सोच है वो ईद को ही फिल्म रिलीज करेंगे। दोस्तों सलमान खान की दबंग फिल्म देखने के बाद इस दुनिया को एक नया अतरंगी, जिसे हम आइकॉनिक भी कह सकते हैं, ऐसा कैरेक्टर मिला और वो चुगुल पांडे है। पर चुगुल पांडे सिर्फ फिल्म तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि वो एनिमेशन की दुनिया में भी चला गया। एनिमेशन स्टूडियो कॉस्मोस माया ने पुलिस ऑफिसर चुगुल पांडे की एक सीरीज बनाई थी। इस एनिमेशन सीरीज के बारे में फिल्म के डायरेक्टर बाज खान को मालूम चला तो उन्हें काफी अच्छा लगा और उन्होंने अपनी खुशी एक्सप्रेस करते हुए कहा कि जिस तरह फिल्म में चुगुल का कैरेक्टर दिखाया गया है, एक फैमिली ड्रामा दिखाया गया है, उसी तरह इस सीरीज में भी वही इमोशंस कैप्चर किए गए हैं। इस सीरीज में चुगुल के साथ साथ उनकी बीवी रज्जू यानी कि सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर, एक्टर विनोद खन्ना का कैरेक्टर जो चुगुल के पिता बने थे, उन्हें भी एनिमेशन फॉर्म में दिखाया गया है। तो दोस्तों आप दबंग 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।